दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो कोण का मात्रक होता है, एक तो आपका होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो जो रेडियन मात्रक होता है कोण का, उसमें और जो वास्तविक संख्या होता है उसमें क्या संबंध होता है। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा आपका, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। हमारा हेडिंग हो जाएगा रेडियन रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। तो रेडियन हमारा क्या होता है, जो है कोण का मात्रक होता है। कोण का मात्रक हम लोग डिफाइन किए थे, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो रेडियन हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका वास्तविक संख्याएं जो हमारी होती हैं उनसे क्या संबंध है। तो ये हम लोग जो है, एक सर्किल हमारा हो गया जिसके ये सेंटर ओ है और ये पॉइंट हमारा ए है। अगर इस सर्किल की त्रिज्या हम लोग मान लें कि एक इकाई है, एकांक है, या 1 सेंटीमीटर या एक एकांक है, एक इकाई का मतलब, तो एक इकाई लंबाई का चाप, ये जो चाप की लंबाई है ये हमारा जो है ये कितनी होनी चाहिए, एक इकाई। तो एक इकाई लंबाई का चाप जो केंद्र पे जो कोण अंतरित करता है वही हमारा क्या होता है, एक रेडियन। एक रेडियन हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या एकांक है में एकांक लंबाई के बराबर का जो चाप होता है, जो जितना कोण अंतरित करता है केंद्र पे, वही हमारा क्या होता है, एक रेडियन। अगर यहाँ वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, एक है। एक तो पूरा अगर देखा जाए इतने चाप द्वारा, यानी एकांक लंबाई के चाप द्वारा बना कोण 1 रेडियन है, तो 2 2 इकाई लंबाई का चाप होता तो 2 रेडियन, 3 इकाई का होता तो 3 रेडियन, यानी पूरे चाप की लंबाई कितनी है हमारे, 2 पाई आर वृत्त के परिधि की लंबाई होती है, तो आर बराबर 1 है, तो इसका हो जाएगा 2 पाई, यानी जो पूरा एक राउंड का जो पूरा कोण हो जाएगा, एक चक्कर हमारा जो होता है पूरा, एक चक्कर में जो पूरा कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन ये होगा। ये समझ में आ रहा है हम लोगों को, क्यों 2 पाई रेडियन होगा, क्योंकि जो वृत्त एकांक त्रिज्या के वृत्त की परिधि होगी, एकांक त्रिज्या के वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि की टोटल लंबाई हमारी क्या होती है, 2 पाई इंटू आर, और त्रिज्या हमारा एक है, तो ये 2 सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 पाई 2 पाई। तो एकांक लंबाई का जो है चाप जो है कितना बनाता है, 1 रेडियन, तो 2 पाई लंबाई का, यानी पूरा जो हमारा एक चक्कर होता है वो क्या होता है, 2 पाई रेडियन। ये हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया था। अब हम लोगों को देखना है कि रेडियन और वास्तविक संख्या में संबंध कैसे हम लोग देखते हैं। तो ये फिर हम लोग एक वृत्त बना दे रहे हैं, और ये वृत्त जो है हम लोग मानते हैं कि ये एकांक त्रिज्या का वृत्त है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी, एक। और यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, स्पर्श रेखा। ये वृत्त की जो है त्रिज्या हमारी एक इकाई है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 पॉइंट। जैसे हम लोग जो संख्या पद्धति में पढ़ते थे कि जो एक रेखा हम लोग जो है नंबर लाइन हम लोग कैसे ड्रा करते थे, कि एक रेखा हम लोग ड्रा कर देते थे, कहीं पे हम लोग ओरिजिन मान लेते थे, इससे यूनिट डिस्टेंस पे जाओ तो 1 यूनिट, और उतने जाओ 2, फिर 3, और इधर जाओ तो -1 -2 -3, ऐसे संख्याओं का निरूपण हम लोगों ने किया था छोटी क्लास में। जो है 0 हो गया, अगर राइट साइड में जाओगे तो एक एक बढ़ता जाएगा, और निगेटिव, ये लेफ्ट साइड में निगेटिव, तो ऐसे हम लोग ये 0 मान लेते हैं,
और इसे एक यूनिट ऊपर गए तो वन हो गया, संख्याओं को निरूपित कर दिया, थ्री हो गया, फोर हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। नीचे हम लोग क्या कर दिए, संख्याओं को निरूपित कर दिए, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे। अब अगर ध्यान से देखें आप, अगर ये जो ओ के ऊपर वाली जो संख्या है, ओ के ऊपर वाली जो लाइन है, इसको हम लोग इस पे ऐसे बेंड कर दें और ओ के नीचे वाले को ऐसे बेंड कर दें, यानी ये जो है ऊपर पॉजिटिव वाला जो है, हम लोग ऐसे वो जो रेखा है उसको ऐसे सोचिए कि इसको जो मोड़ के इस पे ऐसे लाके रख दिया और नेगेटिव वाले को जो है ऐसे रख दिया, मोड़ दिया ऐसे। तो इन संख्याओं पे जहां जहां मार्किंग थी वहां वहां वन टू थ्री ऐसे मार्किंग इस पे भी आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो वन यूनिट वाला है, वन यूनिट लंबाई का चाप कितना रेडियन कोण बनाएगा, एक रेडियन बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक रेडियन। और इधर में अंतर क्या है, इधर वाला जो कोण बनाएगा ये हमारा क्या होगा, माइनस वन रेडियन होगा। तो एकांक लंबाई का जो है चाप एक रेडियन बनाता है, टू लंबाई का चाप टू टू रेडियन, थ्री लंबाई का चाप थ्री रेडियन बनाता है, यानी हमारा जो एक रेडियन कोण, दो रेडियन कोण, तीन रेडियन कोण, चार रेडियन कोण, ये किससे संबंधित है, संख्या से संबंधित है, एक दो तीन चार से संबंधित है। एक रेडियन मतलब एक यूनिट लंबाई का, टू रेडियन मतलब टू यूनिट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेडियन और वास्तविक संख्याओं को हम लोग एक ही मान सकते हैं। तो इसमें हम लोगों का पॉइंट ये हम लोगों का हो जाएगा कि हम लोग लिखेंगे कि रेडियन रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं को, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं को, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं को हम लोग क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं या बराबर मानते हैं। रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं को एक समान माना जा सकता है। तो ये इसीलिए जब हम लोग कहते हैं कि पाई रेडियन, तो पाई रेडियन सीधा सीधा हम लोग पाई की वैल्यू जो है मानते हैं 22/7, तो हम लोग 22/7 सीधा सीधा पाई रेडियन बराबर क्या लिख देते हैं, 22/7, वहां से रेडियन हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग रेडियन और वास्तविक संख्या के बीच में संबंध की, अगर 10 रेडियन है तो उसको हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो रेडियन माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक तथा समान मान सकते हैं, एक ही माना जा सकता है या समान माना जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध, कि जो रेडियन और वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, एक समान होंगी। 10 रेडियन का मतलब 10 संख्या। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो कोण के दो मात्रक हम लोगों ने पढ़े थे, कोण का दो मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। तो इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे कि क्या संबंध होता है। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा कि डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन हमारे क्या हैं, ये डिग्री और रेडियन हमारे जो है कोण के मात्रक हैं। जैसे लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, तो मीटर और सेंटीमीटर में संबंध भी तो होता है कि एक मीटर बराबर आप 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ऐसे जो दोनों माप हैं, इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जो है एक चक्कर हमारा, अगर सिंपली बात किया जाए, जो एक चक्कर में जितना कोण बनता है उसको हम लोग पूरा पूरा क्या मानते हैं, 360 डिग्री। एक चक्कर जो हमारा होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। और अगर रेडियन में बात किया जाए तो क्या होता है, 2π रेडियन। ये सिंपल सी चीज हम लोगों को पता है कि अगर ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है
और ये अगर हमारा ये मूव करना शुरू कर दे ये जो है, और एक पूरा चक्कर लगा के चला है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कितना कोण बन गया, 360 डिग्री कोण बन गया। और यानी एक चक्कर जो होता है पूरा पूरा 360 डिग्री, और एक चक्कर को क्या हम लोग जानते हैं, एक चक्कर होता है हमारा 2π रेडियन। क्योंकि एकांक जो है, अगर ऐसे माने आप कि वृत्त की त्रिज्या आर है, तो आर लंबाई के चाप जो है जितना कोण बनाता है वो क्या होता है, 1 रेडियन। 1 रेडियन, रेडियन को हम लोग फिर से यहां से देख लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप जितना कोण बनाता है वो क्या होता है, 1 रेडियन। तो आर लंबाई का चाप है तो कितना कोण बना रहा है, 1 रेडियन। तो ऐसे हम लोग फिर से देख लेते हैं, आर लंबाई का चाप जो है, आर लंबाई का चाप हमारा कितना कोण बना रहा है, 1 रेडियन। तो अगर एकांक लंबाई का चाप होता तो कितना कोण बनाता, आर से हम लोग डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो इधर 1 आएगा, 1/r रेडियन। तो पूरा जो है वृत्त की परिधि क्या होगी, अगर आर त्रिज्या है, 2π, आर लंबाई का चाप कितना कोण बनाएगा, 2π r लंबाई के चाप द्वारा बना कोण हो जाएगा, 2π r से मल्टीप्लाई किए इनटू 1/r रेडियन। आर आर खत्म हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, 2π रेडियन। यानी पूरा जो है हमारा वृत्त की परिधि, यानी पूरा एक चक्कर जो होता है वो पूरा पूरा हमारा क्या होता है, 2π रेडियन के बराबर होता है, और एक चक्कर हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एक चक्कर में जो कोण बनता है, यही दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, बस डिग्री और रेडियन के बीच में हमको क्या पता चल जाएगा, रिलेशन पता चल जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा हमको पता चल गया कि 2π रेडियन बराबर क्या होगा हमारा, 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री, या 200 दोनों साइड डिवाइड कर दें हमारा, तो पाई रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो ये हम लोग याद रखेंगे, और अगर कहीं पे बदलना हो डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, तो हम लोग क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। अभी हम लोग एक दो करके देखते हैं। तो ये हमारा पाई रेडियन हो गया 180 डिग्री। तो इसमें थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, पाई रेडियन हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर 1 रेडियन हमको देखना है, 1 रेडियन, तो पाई से दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180/π डिग्री। यानी 1 रेडियन बराबर 180/π, और पाई की वैल्यू जो है 22/7 ले लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए। पाई अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 22/7 परिमेय संख्या, ये अपरिमेय होती है। तो 1 रेडियन बराबर यहाँ से हमारा हो गया 180/22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ जो नीचे 22/7 है वो बटा 22 डिग्री, ये 7 56 5, 1260/22 डिग्री। 1260 में हम लोग क्या कर देंगे, 22 से भाग दे देंगे, 22 6 बार करेंगे, तो 6 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार, तो 5 दुनी 10, 5 दुनी 10 से 11, ये 6 हो गया, ये 160, 22 ये 6 बार जाएगा, क्योंकि 7 बार करेंगे, 7 बार देखते हैं जाएगा, 7 5 बार गया, 5 दुनी 10 0, 5 दस 11, 6 हो गया, ये 160। अगर 7 बार करेंगे, 7 दुनी 14, हासिल 1 7 बार जाएगा, ये हमारा 7 दुनी 14, 14 1 15, 154, ये हमारा 6 आ गया, यहाँ दशमलव लगा दिए, ये हमारा 60 हो गया, और 22 3 66, 22 2 44, ये हो गया 16, 1 0 बढ़ गया, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर हमारा कितना आ रहा है, 1 रेडियन जो है वो अगर हम लोग देखें तो 57
10.27 डिग्री, यानी 57 डिग्री तो हमारा पूरा पूरा है, 57 डिग्री पूरा पूरा है, प्लस 0.27 डिग्री को हम लोग अलग लिख लेते हैं। अलग क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि 57 डिग्री पूरा पूरा, 0.27 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 27/100, क्योंकि 27/100 और 0.27 क्या है, एक ही है, ये 57 डिग्री पूरा पूरा। और हम लोग क्या करते हैं, इस डिग्री को मिनट में बदल लेते हैं, तो 1 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसको मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल इसको बदलेंगे, ये तो पूरा पूरा डिग्री है, तो ये हमारा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना 57 डिग्री प्लस इतना मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 57 डिग्री प्लस 1010 खत्म हो गया, और ये 60 है, 6 से 6 7 42, 4 6 2 12 4, 162/100, ये हमारा क्या है, मिनट है, ये इक्वल टू हमारा हो गया 57 डिग्री प्लस 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी ये हाँ 10 है, तो ये 16.2, तो इसको हम लोग 16 ले लेते हैं, 16 मिनट। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर जो हम लोगों ने निकाला, 1 रेडियन जो कोण होता है वो क्या होता है, 57 डिग्री 16 मिनट, ये हम लोगों ने 1 रेडियन निकाल लिया, कितना होता है डिग्री में, यानी 1 रेडियन कोण जो होता है वो कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट। ये आप इसको याद भी रख सकते हैं कि 1 डिग्री, 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री 16 मिनट। अब हम लोग 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है ये देख लेते हैं, 180 डिग्री बराबर हम लोगों ने देखा क्या होता है, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री करना है तो 180 से दोनों साइड क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, पाई बाई 180 रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 नीचे आ जाएगा, तो 180 रेडियन, 1 डिग्री बराबर जब इसको आप डिवाइड करेंगे 22/1260 रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर यह आ जाएगा 0.,, ये होता है लगभग 0., डिवाइड करने के बाद 0.01746, ये लगभग इतना आता है ना रेडियन। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस हमको बदलना आना चाहिए, और बदलना हम लोग कैसे, सिंपली एक पॉइंट याद रखेंगे कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, बस यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर हम लोगों ने देखा था 57 डिग्री 16 मिनट, ये भी लगभग होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री माप जो होता है कोण का, और रेडियन में संबंध हो गया। सिंपली जो है हम लोग कुछ जो है रेडियन और डिग्री में संबंध हम लोग डायरेक्टली याद रखते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ जो है डिग्री माप यहाँ पे होगा कोण, और यहाँ पे जो है क्या होगा रेडियन माप, इसमें हम लोग 30 डिग्री को देखेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोण, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन सबको रेडियन में बदलना है। तो सीधा हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर हमको चाहिए तो पाई बाई 180 रेडियन, ये ठीक नियम से 180 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये पाई बाई 180 रेडियन, यानी 1 डिग्री हमारा पाई बाई 180 रेडियन होता है। 30 डिग्री को हमको बदलना है तो 30 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 डिग्री बराबर पाई बाई 180 गुणे 30 रेडियन, और 3 6 18, ये हो गया हमारा पाई बाई 6 रेडियन,
30 डिग्री को हम लोग क्या जानते हैं, ये पाई बाई 6 होता है। ये जो है हम लोग याद रखते हैं तुरंत ही, बार बार बदलना नहीं रहता। यानी 30 डिग्री हमारा क्या हो गया, पाई बाई 6। 45 डिग्री को आपको बदलना है, तो 1 डिग्री हमारा क्या है, पाई बाई 180 रेडियन। 45 से दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो 45 डिग्री बराबर पाई बाई 180 गुणे 45 रेडियन, ये हो जाएगा 45 चौका 180 होता है पाई बाई 4 रेडियन। यानी 45 डिग्री जो कोण होता है हमारा, वो क्या होता है, पाई बाई 4 के इक्वल होता है। 60 पाई बाई 180 इंटू 60 करेंगे तो 6 3 18 ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। 90 करेंगे तो 90 इंटू 2 ये पाई बाई 2 आ जाएगा। 180 डिग्री तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, पाई। 270 डिग्री को हम लोग करें, 270 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 270 रेडियन। 1 0 1 0 खत्म हो गया, 9 2 18, 9 3 27 ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये क्या हो गया 3 पाई बाई 2। और 360 डिग्री को हम लोग देखें क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, 1 डिग्री हमारा सीधा सीधा क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू 360 रेडियन। तो 18 दूनी 36 से हमारा क्या आ गया, 2 पाई रेडियन। यानी 360 डिग्री हमारा क्या होता है, ये 2 पाई। तो ये हम लोग जो है डायरेक्टली याद ही रखते हैं हमेशा, कि जो 30 डिग्री होता है सीधा सीधा क्या होता है, पाई बाई 6। 45 डिग्री पाई बाई 4। 60 डिग्री पाई बाई 3। 90 डिग्री पाई बाई 2। 180 डिग्री पाई 2। 70 डिग्री 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री 2 पाई। तो हम लोगों ने देखा कि रेडियन माप और डिग्री माप में संबंध क्या होता है। तो रेडियन माप और डिग्री माप में जो है सिंपल सिंपल हम लोग जानते हैं कि एक जो चक्कर होता है पूरा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, और एक चक्कर हमारा जो होता है उसी को हम लोग 360 डिग्री मानते हैं। यानी 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, बस यहीं से हमारा बस इतना याद होना चाहिए, बाकी हम लोग बदल लेते हैं। और वो हम लोगों ने निकाल भी लिया है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है और 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो वो हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली हम लोगों को निकालना आना चाहिए। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।